नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में भगवान हनुमान जी के शाबर वशीकरण मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। इसके प्रयोग से आपके सभी बिगड़े काम सिद्ध हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हनुमान शाबर मंत्र को जानते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल और कर्म शुद्ध होते हैं, उनको इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मंत्र को बोलते ही इससे संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। मंत्रों के महत्व के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हर बिगड़े काम को बनाने के लिए यह अचूक मंत्र है। साबर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतौर पर ग्रामीण भाषाओं में है। हालांकि यह मंत्र हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम में और अन्य धर्म में भी है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि इन मंत्रों को सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा था। हनुमान शाबर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शाबर मंत्रों से किसी भी व्यक्ति को उन्हें उपयोग में लेने से पहले सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। सभी शाबर वशीकरण मंत्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रण रखने के उपयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों, हनुमान मंत्र और साबर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। हनुमान मंत्र और साबर मंत्र दोनों ही बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र के लिए सिद्धि प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन साबर वशीकरण मंत्र के लिए सिद्धि प्राप्त करना जरूरी नहीं है। मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। भगवान हनुमान के रूप में तेजी है, जैसी तेजी हमारे मन में होती है, क्योंकि उनकी गति वायु देव की तरह है। भगवान हनुमान का अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। भगवान हनुमान जी बंदरों की सेना के महानायक हैं। वह भगवान राम के दूत के रूप में विख्यात हैं। वह अतुल्य शक्ति का भंडार हैं। वह राक्षसों का विनाश करते हैं और सभी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। शाबर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब हम आपको हनुमान शाबर मंत्र को साधने की विधि और नियम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हनुमान शाबर मंत्र का जाप करने के लिए साधक को काला कपड़ा पहनना चाहिए और इस साधना को शुक्रवार के दिन से शुरू करनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला लेकर जो मंत्र हम आपको बताएंगे उस मंत्र का प्रतिदिन 5 बार जाप करें और यह जाप लगातार 5 दिनों तक करनी है। साधना के अंत में भगवान हनुमान जी की पूजा करें और माला को गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर गाड़ दें। यह माला आपको उस स्थान पर गाड़नी है जिस स्थान पर बैठकर अपने साधना किया है। इस मंत्र को जपने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति का जन्म होता है, यानी उसके चेहरे पर आकर्षण का तेज आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत अधिक नाराज है, आप दोनों के बीच बहुत दूरी बन गई है, या कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है और आप उसको अपने वश में करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है, तो आप इस मंत्र को 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर उच्चारण करें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर साधक चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करके अनेकों लाभ प्राप्त कर सकता है। हनुमान शाबर मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए और हम डिस्प्ले पर भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हनुमान जाग, किलकारी मार, तू हुकारे, राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो श्री राम जी और सीता मया की हनुमाना, श्री दुहाई शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों, वैदिक पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों के समान शाबर मंत्र भी अनादि और अचूक है। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शिव जी ही हैं, लेकिन साबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्याक्षकता नहीं हैं। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मक्षेंद्र नाथ को माना जाता है।
हनुमान शाबर मंत्र रात्रि में सोते समय यदि भूत प्रेत आदि का डर लगता हो या जंगल में कहीं अनजान जगह सो रहे हो तो हनुमान जी का यह चमत्कारिक मंत्र 7 बार पढ़कर निश्चिंत होकर सो जाएं। हनुमान जी आपकी हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व किसी भी साबर मंत्र के जानकार गुरु से अवश्य संपर्क करें। मित्रों, मध्यकाल में कालिका माता, हनुमान जी, भैरवनाथ, बगलामुखी आदि देवी देवताओं सहित कई यक्षिणियों, पिशाचिनियों आदि के साबर मंत्र भी बनाए गए थे। मध्यकाल में तांत्रिक काला जादू जानने वाले बंजारे आदिवासी वनवासी और ठेठ गाँव के लोगों में यह साबर मंत्र प्रचलित थे। आम शहरी जनता में यह मंत्र कभी प्रचलित नहीं रहे। आज भी कई तांत्रिक और जानकार लोग इन गुप्त मंत्रों के रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, साबर मंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इनके नियमों का पालन भी करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नियमों और पवित्रता के पालन से यह मंत्र और भी चमत्कारी और असरकारक बन जाते हैं। अगर व्यक्ति इन साबर मंत्रों को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका उल्टा असर भी तुरंत ही शुरू हो जाता है। इसीलिए इन मंत्रों को हंसी मजाक में ना लेकर इनको पूर्ण सम्मान के साथ लेना चाहिए। अगर आपकी नियत पवित्र है तो साबर मंत्र आपके साथ है। हनुमान साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी समर्थ गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर रुद्राक्ष, मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप करें, तभी यह सिद्ध होगा। फिर आप कहीं भी सोते समय इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके सो जाएं, इससे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल और कर्म शुद्ध होते हैं उनको इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है, इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।